हम इस टाइम अभी खड़े हैं आउटसाइड द रेजिडेंशियल एंट्रेंस ऑफ दिस बिल्डिंग ऑफ दिस हाउस. बिफोर गोइंग इन आई वांट टू मेंशन समथिंग कि जब आप घर के बाहर ही खड़े हुए होते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट यू डू सी इसके नीचे से लेके ऊपर तक आपको एक यूजेबल स्पेस नजर आती है. ऑन द रूफ ऑल्सो यू कैन सी दैट देयर इज अ रूफ गार्डन एंड सम सोलर पैनल्स. यू डू सी टेरेसेस. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि नीचे से ऊपर तक आपको पता है कि ये घर जो है वो 100% यूटिलाइज हो रहा है. एंड ऑल्सो आई डू रियली लाइक दोज वुडन लिंटर्स जो खिड़कियों के ऊपर लगे हुए हैं, जो बाहर से नज़र आते हैं अगेंस्ट द फेयर फेस. एंड वन लिटिल थिंग दैट आई नोटिस्ड वॉज के इधर देयर इज अ फ्रूट ट्री. सो यू ऑल्सो सी दैट दिस गाय इज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम विद इन द हाउस, planting his own fruits, having a solar panel upstairs, using his roof garden. So it gives a very wonderful feel to the overall house and develops a lot of interest as to what's going to be inside. मरियम, मुझे इसके जो ये materials हैं elevation में बड़े उसमें एक visual weight balance है, जैसे ये mesh लगा हुआ है और बड़ा नॉन कन्वेंशनल पोर्च है इसका और इसके आगे शेड एक रस्टिक चैनल चल रहा है और उसके पीछे बैम्बू की स्टिक्स हैं. सो ये बड़ा अमेजिंगली जेलिन हुआ है मेन वॉल्यूम के साथ. ऑल्सो यू डू नोटिस कि जिस तरह बाहर भी बैम्बूज लगी हुई हैं और फिर पोर्च के ऊपर भी लग गए हैं, ऐसे लगता है बस घर से ही उतार के किसी ने यूटिलाइज किया है. लैंडस्केप की सिलेक्शन, प्लांट्स की सिलेक्शन कितनी केयरफुली की हुई है. ये आई थिंक ये नेचुरल ट्री होगा, मुझे लग रहा है पहले का लगा होगा. बिल्कुल. और ये फ्रूट ट्री है और फिर ये सफेदा है. बिल्कुल बिल्कुल. सो बहुत अमेजिंग और ये बहुत जल्दी भी ग्रो करता है. इसकी लोकेशन घर को किस तरह से विजुअली ब्रेक कर रही है. आपको एक पोर्च नजर आ रहा है, टेरेस नजर आ रहा है और फिर आपका रेजिडेंशियल एरिया है जिसको ये एक सॉर्ट ऑफ प्राइवेसी दे रहा है. इट सीम्स टू बी ग्रोइंग आउट ऑफ दिस नेचुरल नेस्ट. वेरी नाइस. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. एंड यू सी दिस वुडन लिंटल्स, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिटेल. तो अंदर चलते हैं. यप, लेट्स गो. आई एम वेरी एक्साइटेड. I think it's a magnetic gate. Zabardast. So you walk into the sound of water inside. Oh my god, very nice. मुझे तो enter होते साथ ही, despite the fact that it's such a hard, solid, fair-faced concrete structure, I do feel like एकदम से ठंडक सी जैसे आपको फील होती है, क्योंकि you walk into this green space एकदम से. और ये इनकी जो aging है bamboos की. Absolutely. ये आई थिंक ये मेटल के है probably. हाँ. ये आई डोंट नो, ये हाँ बिल्कुल. अरे ये वुड के होते तो कुछ शायद ज्यादा बट आई मीन यस, थोड़ी सी मैस्कुलिनिटी को ना थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं फेमिनिन से पोस्ट. Don't you feel very cool as soon as you walk in, है ना? हाँ. ठंडक से एकदम से feel होती है. And you're standing under so much shade. It's wonderful. और मैं ये देख रहा हूँ ये diagonal cut जो balcony को दिया हुआ है. ये आपको क्या लग रहा है? ये क्यों होगा? मुझे somehow ऐसे लग रहा है कि शायद अगर हम ऊपर जाएं, तो कोई view या कोई ऐसी चीज frame ना की हुई हो in this particular direction. Maybe we'll find out when we go upstairs कि क्या हो रहा है. So I but think I do like the introduction of brick hair also, एकदम से. Ah, nice. तो earthly touch आता है ना? Very nice. ये wood है. Okay. Oh, do you see something? This house doesn't have a boundary wall. हाँ. है ना? जो वो सेटिंग करना चाह रहे थे ना कि ग्रीन स्पेस के बीच में से घर, इट्स ग्रोइंग आउट ऑफ अ नेस्ट. आई थिंक अभी ये जो बाउंड्री वॉल में प्लांट्स हैं ये उस तरह से रिच नहीं हुए, तो इन्होंने ये कपड़ा लगाया हुआ है ग्रीन, राइट? आई थिंक दैट ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत प्रोबेबली प्राइवेसी के लिए, बट द फैक्ट दैट ही मेड सच अ बोल्ड हाउस एंड देन ही डिडन्ट इवन पुट अ बाउंड्री वॉल, आई मीन इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. आई विश काफी सारे घर हों इस्लामाबाद में इस तरह के जिनकी बाउंड्री. सो लॉन की बड़ी मुझे लग रहा है मजे की बात ये होगी कि जब सनसेट होता होगा या सनराइज होता होगा या कोई रेनी सीजन होता होगा तो पानी का साउंड
बड़ा मजेदार और पीसफुल होता होगा। Absolutely. अभी आई थिंक मुझे लगे पब्लिक जो बाहर सर्कुलेशन है बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है probably, लेकिन आई डू थिंक बिकॉज ऑफ दीज ट्रीज आई एम श्योर जब हम अंदर जाएंगे प्लस जो पानी की आवाज है दैट काइंड ऑफ लाइक एड्स ऑन टू टू द बेसिकली फील ऑफ नेचर तो अंदर जाते जाते मोस्ट प्रोबेबली काफी ज्यादा साउंड्स जो है वो बफर हो जाएंगी कहीं ना कहीं हिंट ऑफ बर्ड्स चॉपिंग भी आपको मिल जाती है अगर आप गौर से सुने तो बिल्कुल बिल्कुल आई एम सो टेम्प्टेड टू सिट ऑन दिस लॉग आई थिंक इट्स वंडरफुल कि कॉर्नर में एक छोटा सा लॉग बेंच एंड इट्स जस्ट ऑन टू स्टोन्स इंटरेस्टिंग बैठे मजे के है ना दरख्तों के बीच में एंड देन द सेम सॉर्ट ऑफ एलिमेंट फ्रॉम The porch is kind of repeating itself. Oh, wonderful! ये तो spring में they're going to be beautiful. और नीचे भी काफी amazing. Furniture की भी बड़ी मजेदार aging हुई है ना मरीन? हाँ, बिल्कुल. And do you also see that there's hardly any effort involved in placing the landscape furniture? The effort is just in putting a water element, putting lots of trees. And then just putting regular furniture jo almost sab gharon mein hota hai but it still makes the space so much more interesting. Oma, what do you think about this kind of flooring? I mean, we do see that it's creating, considering that this house is almost 10 years old, we do see that it's creating a little bit of a problem, but on the other hand, you do see these weeds sort of coming out. So maybe in the future, this becomes like a very weedy sort of a raised. नेचर को बड़ा इन्वॉल्व किया हुआ है डिजाइन में जो कि हम जनरली लोग नहीं करते है ना बिल्कुल पीपल कलर सिलेक्शन और मटेरियल्स तराजो फिर फर्नीचर का जो मेटल का कलर है वो भी इनफैक्ट बड़ा डार्क ग्रीन है सो बड़ा ब्लेंड इन हो रहा है आपको हर चीज एक दूसरे के साथ बड़ा डायलॉग क्रिएट करते हुए फील हो रही है एंड आई मीन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट हैविंग अ बाउंड्री वॉल बट हैविंग अ बैम्बू श्रब इंस्टेड इज आल्सो रिपीटिंग ऑन दिस साइड हालांकि यहां पे वॉल है बट स्टिल आई मीन द सेम कॉन्सेप्ट इज रिपीटिंग सो आई थिंक अंदर चलते हैं प्रोबेबली यस लेट्स गो बाहर से तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है मुझे एंट्रेंस के बाद किसी भी घर में जो सबसे ज्यादा चीज फैसिनेट करती है वो उस घर का एक अपना अरोमा एक स्मेल होती है सो आप फील करिए ये हर घर की बड़ी डिफरेंट और इसकी एक बड़ी एक आइडेंटिटी होती है एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अच्छा वन मोर थिंग दिस लो हाइट सीलिंग आई मीन एंट्री होते साथ ही यू गेट इनटू दिस ह्यूज लाइक सिटिंग फैमिली रूम सॉर्ट ऑफ स्पेस इंडोर आउटडोर कनेक्शन है कहीं से वो पीछे वाली ब्रिक भी अंदर आ गई है एंड यू डू फील लाइक यू एंटर एंड यू कैन सी द होल हाउस बट एट द सेम टाइम यू डोंट सी द होल हाउस देयर लाइक हिडन एस्पेक्ट आगे पीछे इंटरेस्टिंगली आप सीलिंग देख रही हैं ओह यस सिंपल टू द पॉइंट या यस एब्सोल्युटली वेरी मॉडर्नस यस डू यू सी दैट फैन कंसील्ड पंखा वैसे बाद में मुझे इंटीरियर में लगता है कि बहुत रोल करता है हाँ बट इन्होंने अपना पंखा कंसील कर दिया उधर वो पुराने जमाने के पंखों की तरह एक पंखा है कलर इसका बहुत मजे का है सो आई थिंक बिल्कुल लेट्स गो इनसाइड दिस रूम दैट वी सी ओवर हियर इट्स अ गेस्ट बेड आई लाइक द डोर हैंडल नो यस It makes it so convenient for you to just push the door and open it, no? Very nice. Very so, इसमें भी window उसी तरह frame एक torture बना रही है towards landscape. But it's so calm. Once again, it's so calm. और हाँ, बहुत peaceful है. बस
बाहर पत्तों की थोड़ी हिलने की आवाज और वो चीजें हैं। एनिमल इज सीइंग द वाटर रिफ्लेक्टिंग ऑन द सीलिंग, है ना। पंखा कितने मजेदार तरीके से हुक हुआ है छत के साथ। ये मेटल का फ्रेम है ना? हाँ, ये मेटल का है और ऊपर आई थिंक प्लाईवुड है, इस पे कुछ ऑयलिंग की हुई है। हाँ, वुड नहीं है ये, थोड़ा सा। और ये मरियम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इन्होंने जिस तरह से इसको एंड पे वॉल के साथ लॉक किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको जाके बिठा दिया है उसके ऊपर। वो बड़ी अच्छी एक डिटेल भी बन गई है और फंक्शनैलिटी भी और उसकी टेक्निकल चीजें भी पूरी हो गई है। भी हम जब थे तो हम यही देख रहे थे, अभी हम दूसरी जगहों पे भी जाएंगे। आई थिंक दैट दिस एलिमेंट इज कंटिन्यूइंग थ्रू आउट द हाउस। इधर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी बाहर से ही, आई थिंक द फेयर फेस इज सॉर्ट ऑफ लाइक कंटिन्यूड इनसाइड। हां, ये इनसाइड आउट था। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर वाली फिनिशेस अंदर, और सीलिंग में कोई लाइट नहीं है। ओह यस यस। सो ये बड़ा, वॉल लाइट्स भी बड़ी मिनिमल सी हैं। हां, जस्ट द वन हाइलाइटिंग द पेंटिंग एंड दैट्स ऑल। वो घर भी, इट्स आई मीन अमेजिंग अमेजिंग। द लाइट ऑफ द बेडरूम इज सो एप्रोप्रिएट। सो मैं ये सोच रहा हूं कि ये इन्होंने फ्लोरिंग क्यों चेंज की है। I mean, black and white. Right. We'll probably see aage jaake if this continues in the house and other places also. But maybe it's to add like a calm, subtle effect to the bedroom and also because light itni zyada aati hai probably during the day. So, shayad agar white hota to wo bedroom itna. Acha, Mariam, ye detail dekhi. Generally, hum clad karte hain. Inhone cladding ko is tarah se kiya hai gutke ko ki wo lag raha hai ek wall hai puri. Yeah. Brick ki wall hai. Yeah. So basically. But upar se bhi and side se bhi. It's sort of semi-detached and bas ek bade puzzle ki tarah aake darwaza beech mein fix ho gaya hai opening ke beech mein. Okay, so इधर fireplace भी है, hidden behind the sofa. नहीं है, हाँ, लेकिन है। इस तरह की चीजों से you do feel like there are some spaces that have been the use of which has changed over time. अच्छा, इसका color, leather का color bricks के साथ और grays के साथ खूबसूरत contrast create कर रहा है। Yep, absolutely. And the use of this blinds is just lovely. मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे वो बाहर के वो पत्तों वाला इफेक्ट ही वो आ रहा है कि बीच में से फिल्टर होके तो लाइट अंदर आ रही है। और मुझे लग रहा है ये जो हम रिफ्लेक्शन की तुम बात कर रही हो, ये रिफ्लेक्शन ओवर द टाइम मतलब दिन में ये चेंज होती रहेगी, चेंज होती होगी। जिस तरह ये है अभी इस जगह पे आ रही है तो आई थिंक ये बात में इधर भी आती होगी। एब्सोल्युटली। ओह हां, वो देखें उधर तक, ये रिफ्लेक्शन है इवन ऑल द वे टू द टॉप ऑफ द सीलिंग। जबरदस्त, जबरदस्त। कितना छोटा सा वाटर फीचर है लेकिन पूरे घर में अपनी वो प्रेजेंस शो कर रहा है। और वो लाइट के साथ बड़ा अच्छा डायलॉग कर रहा है। बिल्कुल। सो आई थिंक इधर देखते हैं। Also, Umar, okay. Sorry, I'm stopping you from stepping up. लेकिन उन्होंने अपनी वो लैंडस्केप वाले एलिमेंट्स भी कुछ इधर लाके कंटिन्यू किए हैं। अच्छा, इसमें मरियम एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फॉयर जिस तरह से कन्वेंशनल फॉयर होती है उस तरह की कोई चीज नहीं है। जो रेजिडेंशियल एंट्रेंस है वो डायरेक्ट एंटर टू लिविंग फैमिली एरिया। एग्जैक्टली। और फिर ये मेज़नाइन है, आई थिंक इसके नीचे बेसमेंट होगी। यस, आई थिंक उधर साथ से कहीं से सीढ़ियां नीचे भी जाती हैं टू द बेसमेंट एंड आई थिंक दिस इज द फैमिली रूम राइट नेक्स्ट टू द किचन। आई बिलीव नासिर साहब डिजाइन्ड दिस टेबल हिमसेल्फ आल्सो, जो इन्होंने रखा हुआ है यहां पे फॉर नासिर साहब का। मुझे लग रहा है कि जो फर्नीचर है या जितनी भी चीजें हैं उनके साथ बड़ी एक एफिलिएशन है। उन्होंने बड़ा डिटेल में चीजें सिलेक्ट की हुई हैं। yes. बड़ा एक रिलेशन है। जनरली तो ये होता है कि घर बनता है और आप किसी भी जगह से चीजें उठा के उसमें रख देते हैं। yes. लेकिन yes. एक एक चीज में उनकी बड़ी अटैचमेंट नजर आ रही है। यू आल्सो डू सी दैट देयर इज नो स्ट्रगल फॉर एब्सोल्यूट परफेक्शन। बिल्कुल, हम यही बात कर रहे थे पहले। बाय, देयर इज नो स्ट्रगल फॉर परफेक्शन, देयर इज जस्ट हार्मनी, दैट्स ऑल। जबरदस्त, वंडरफुल, वेरी कोजी एंड कंफर्टेबल। और फ्रॉम दिस फैमिली किचन एरिया, दिस डाइनिंग एरिया, यू कैन वेरी कन्वीनियंटली पीप इनटू द ऑफिस एंट्रेंस फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द हाउस। आई थिंक दूसरी तरफ से नजर नहीं आता होगा ना, बड़ा डिस्टॉर्टेड इमेज आ रहा है इसे। इधर से अगर देखें तो स्पेस डिस्टॉर्ट हो रही है स्फेरिकली। अच्छा, इधर भी सेम डिटेल है। बिल्कुल, इधर भी सेम डिटेल है। यस,
थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है इन द मॉड्यूलेशन ऑफ वुड. आई थिंक ये पूरे घर में पैलेट जो था चीजों का सिलेक्शन का बड़ा वो सिलेक्टिव था और उन्हीं को रेपिटेटिवली वेदर इज आउटसाइड और इनसाइड. बिल्कुल हां बिल्कुल. सो ये डबल हाइटेड स्पेस है. इवन दो इट इज लाइक अ मतलब हायर देन यूजुअल स्पेस, इट डजंट इंटिमिडेट यू in the way that you feel that you've entered a very tall space. Because us cheez ko balance itni achhi tarike se kiya kar, when you enter from there, you enter from like a low height and then you come into this higher ceiling wala area. At the same time you don't feel intimidated by the height because upar ja ke ye wale floors bhi to shuru ho jate hain. So maybe I think we'll dekhte hain the proportions of the volumes is just ye column amazing. Bada acha double height space ko balance kar raha hai na. Structure bhi hai aur space ko aap enter hote hain. और बीच में right और सिंपल कॉलम, एक सिंपल कॉलम, इट्स अ सिंपल कॉलम राइट इन द मिडल, येट इट डजंट डिस्टर्ब योर, इसके साथ एक कंसोल. बिल्कुल. आई बिलीव दीज आर द बेडरूम्स. अगेन दोस ब्यूटीफुल डोर नॉब्स बहुत मुझे पसंद आए. चलिए व्यू देखेंगे कितनी अच्छी व्यू है, छोटी सी ना झरोखा, लाइक अ मॉर्निंग झरोखा. बिल्कुल हां. और सेम वही एलिमेंट यूज हुए हैं जो कि लिविंग और बेडरूम्स में यूज हुए हैं. यप यप यप. एंड दिस गोज अपस्टेयर्स आई थिंक टू द ऑफिस. ओमर डू यू सी द स्टेयरकेस? डू यू सी दिस लिटिल डिटेल? हां दिस ग्रूव्स कंटिन्यूइंग फ्रॉम द वॉल आई थिंक फ्लोटिंग स्टेयर्स हैं ये, वॉल से निकली हुई है स्ट्रक्चर और उसी पे फिर वुड की थिकनेस देखें कितना अच्छा वो वेट उसका बैलेंस हो रहा है स्लैब के साथ. एब्सोल्युटली. और वो बस ऊपर पड़ा हुआ है एंड दिस सॉर्ट ऑफ लाइक अ ज़िगज़ैग सॉर्ट ऑफ हां फॉर्मेशन सिंपल मिनिमल रेलिंग. एब्सोल्युटली. आल्सो दिस रेलिंग्स आर अ बिट लो हाइट यू नो, थोड़ा सा आपको लगता है कि शायद यू कैन प्रोबब्ली जस्ट कैजुअली सिट हियर यू नो. अच्छा इधर से भी बड़ा अच्छा प्रेशर बन रहा है और मैं सोच रहा हूं कि अगर इधर से आप इसको व्यू करें तो खूबसूरत आपके आई लेवल पे आपको चीजें नजर आ रही हैं. ओह या. हालांकि लेवल का फर्क है. या या या. तीन फुट का अराउंड, तीन साढ़े तीन फुट का. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. Now that we've explored the family area on the ground floor, residential side pe, ab hum office se enter ho rahe hain and let's see what surprises we find in here. Lekin enter hone se pehle Umar, how do you feel about this approach of the house? Ye badi ek minimal si functional approach hai aur isme mujhe ye jo drakht hai Maryam, bilkul ye bahut balance kar rahe hain isko aur ye ek structure hai I think boundary wall ka jo ek jagah pe aake rukta hai. और फिर पीछे वॉल्यूम जो दूसरा है मैसिंग हुई हुई है वो इसका बैकग्राउंड है. या सो वेरी कंट्रोल्ड एंट्रेंस है. या एंड आल्सो व्हाट आई फील वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट हैविंग अ स्टेप कुड बी हैविंग अ वेरी कंफर्टेबल ट्रेड. यस यस यस. एंड इट्स सो आई मीन ये एक चीज होती है जो अक्सर जगहों पे इग्नोर हो जाती yes. है कि लोग कहते हैं बस बेशक ऊंचा स्टेप हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हैविंग दिस कंफर्टेबल ट्रेड दिस पेवमेंट बीच में घास सांप पे बिल्कुल बिल्कुल. So I think it. Yeah, let's go. Something. Let's go in. खोला जाए? जी बिल्कुल. दोबारा से वो low height वाली एकदम से entrance. Oh yes. So ये same detail इन्होंने इधर run की है. और ये right. अंदर आके मुझे realize हो रहा है that this is not wood, this is just a wooden tile जो इस. और ये structural हाँ structural beam है इसके ऊपर. Very nice. इसकी हाइट देखें. या या एंड अगेन क्या कहते हैं आप एक लो हाइट एरिया से एकदम से एक थोड़ी ऊंची जगह पे आते हैं. आई थिंक ये लेफ्ट ओवर होगा उसके ऊपर उन्होंने बेंच बनाया हुआ है. नाइस. या और रफ पत्थर नीचे. या 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 दिस इज वेरी कॉर्बुजियर वैसे. हां दिस थिंग है ना थोड़ी काफी मॉडर्निस्ट टचेस सेम डोर का लेवल है. या या सो चलें जी लेट्स गो. सेम डोर हैंडल माय फेवरेट. But you can also look into a sunken area over here. So ये इनका basement है. Yep. You do see
द होल हाउस, यू नो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सेम डिटेल फिर इधर है चैनल। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बाहर भी खड़े हो के आपको फील होता है कि छत तक आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या हो रहा है। इधर भी आके यानी यू नो इट ट्रिगर्ड माय इमेजिनेशन। ये जो सीलिंग है, ये जो स्लैब है जो कि अंदर है, वही बाहर। या एग्जैक्टली या, और दरख्त जो है ना बेचारा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया है। हां चलिए जी। या I can already imagine myself coming down from these steps and then watching these lights sort of come down with me. So Mariam, ji, उन्होंने इस तरह से इसको diagonally क्यों place किया है? पूरा घर बड़ा straight है, angles पे है। Yeah, मेरा ख्याल है कि शायद maybe in order to counter the compactness of the stairs, जो इसके पीछे छुपी हैं। वो स्टेयर्स थोड़ी सी खुल रही हैं एज यू गो अप प्रोबेबली, दैट्स माय इंटरप्रिटेशन। एंड दिस इज द एक्वेरियम जो हम ये वही जो हमने उधर से देखा था, देख रहे थे। यहाँ से यू कांट लुक इनसाइड द हाउस, बट वहां से आपको ऑफिस के जो एंट्रेंस है वो। आई थिंक ऊपर चलते हैं, लेट्स गो। अगेन द सेम मटेरियल, सेम स्टोन, एंड नाउ वी गोइंग टू अ मेटल स्टेयरकेस। चेक प्लेट्स, आई थिंक बहुत, जब मैं एक दफ़ा कॉलेज में थी, आई केम टू नासिर साहब ऑफिस, बाहर से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। एंड उस टाइम पे आई डिडंट नो दैट दिस वाज एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस। एंड वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स फॉर मी, अदर देन ऑब्वियसली द फसाद एंड एवरीथिंग, वाज द स्टेयरकेस। मैंने आई थिंक उस टाइम पे पहली दफ़ा आई काइंड ऑफ लाइक, हाँ नहीं, दिस काइंड ऑफ स्टेयर, यूजुअली फायर एग्जिट मटीरियल है ना ये। तो मैंने, I think that was the first time when I was in first year, I walked on this metal staircase and I thought, "Achha, ye bhi ho sakta hai." You see how the stairs become sort of wider because of these tapered louvers. Chale aayenge. So, ye inki, I think, office space hai. Yep. A typical drafting table. And you're back into the house, so somewhat. So ये बड़ा कोई unconventional office है। बिल्कुल। Executive table नहीं है, nothing। Yeah, 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 yeah. Just working tables हैं उसी पे, I think वो खुद बैठते होंगे। Yeah, साथ में थोड़ा सा chill out area है। And you know, also if you look at the flooring here, it's slightly inclined and oriented towards the terrace side. Yeah, diagonal placement hai, uske saath ye line ki hui hai. Yeah, so absolutely. I think dekhte hain. Let's go. Oh, nice. Amazing. ये बालकनी इधर से कहीं से शुरू होती है इनकी, इधर आके वो ओवरलैप। ये मुझे लग रहा है ये जो ये डिटेल है, आई थिंक इस स्लैब को भी सपोर्ट कर रही है। प्रोबेबली हाँ हाँ बिल्कुल कर रही है। सो मेटल की इधर नासिर साहब ने बड़ी आर्टिकुलेटेड डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे ये लूवर्स हैं। अच्छा, नीचे ये रिमूव क्यों है? ये मुझे, ये खाली है, मुझे जहाँ तक लगता है अंदर, चूंकि इनकी ऑफिस स्पेस है और इनके ऑफिस स्पेस के सामने है, विंटर्स में यहाँ से वो बैम्बूज रिमूव कर देते हैं और समर्स में वो उनको वापस लगा देते हैं। जब उसको बंद करते हैं तो उनके आई लेवल पे, आपकी बिल्डिंग के साथ बड़ी एक अटैचमेंट है कि आप उसको रिमूव कर रहे हैं फिर लगा रहे हैं। एग्जैक्टली, या ओवर टाइम। एंड ऑल्सो आप जब बैठ के काम कर रहे थे तो आपके आई लेवल के सामने बिल्कुल ये जो है ना स्क्रीन एक तरीके से आ जाती है। ये देखिए लालटेन। अच्छा, तो ये बेसिकली इन्होंने इसको टेरेस को आर्टिकुलेट इसलिए किया है कि ये वॉल्यूम स्ट्रेट्स हैं। बिल्कुल। सो ये टेपर्ड किया है ताकि बिल्डिंग में थोड़ी डिटेल। सो
सो मुझे लग रहा है कि ये इन्होंने जो इसको डायगनली प्लेस किया है वो बिल्डिंग क्योंकि स्ट्रेट है सो एक ये डेप्थ ऑफ ज्योमेट्री लेके आया है बिल्कुल एंड लाइक यू वी वर डिस्कसिंग बिफोर के मे बी इट्स रिलेटेड टू द ओरिएंटेशन ऑफ द सन सो और फिर उसके ऊपर ये इस तरीके से ये चीजें बंद हो रही हैं वेरी इंटरेस्टिंग सो एजिंग का बड़ा मजे का कंपोनेंट है घर में चीजें कहीं से रस्ट कर रही हैं बैम्बूज हैं और स्टेन्स हैं जो हम नीचे भी डिस्कस कर रहे थे दैट देयर इज नो स्ट्रगल फॉर परफेक्शन जस्ट हार्मनी बिल्कुल Absolutely. और ये इन्होंने प्लांटर बड़ी अच्छी जगह पे प्लेस किया और आप ऊपर भी आ जाए अगर तो आपको ये फील नहीं होता कि जो वो नेचर वाला एलिमेंट था नीचे क्या आप उससे बाहर निकल आए नहीं बिल्कुल होता बिल्कुल यू जस्ट फील लाइक यू आर ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री इंस्टेड ऑफ फीलिंग लाइक आप उस नेचर वाले एलिमेंट से बाहर निकल आए सो आई थिंक वापस ऑफिस देखते हैं या बट यू वांट टू एक्सप्लोर दिस लिटिल बालकनी ये लोग हैं ना ये पेवर्स हैं रोड पेवर्स इनको यूज किया गया Interesting. Very nice. So it's a very nice place to enjoy the weather, enjoy the sun. Wonderful. Very nice. हर जगह से बैठ के यू कैन सी द इंटरेक्शन ऑफ द वॉल्यूम्स विद ईच अदर इंटरेक्शन ऑफ द मटेरियल्स विद ईच अदर आर्टिफिशियलिटी नहीं है नहीं है बिल्कुल भी नहीं है जो चीजें फंक्शनल हैं वो हैं आई मीन आई थिंक इस प्रणाली के भी निकलने का आई मीन इट्स अ फंक्शनल थिंग एंड व्हाई नॉट हर घर में होता है व्हाई कंसील इट इट्स वेरी ओरिजिनल सो आई थिंक अंदर चलते हैं ऑफिस में लेट्स गो Okay, so we're back into the house. Okay, ये बड़ा मजे का bridge है. Again, the railing is not very high. I mean, it's sort of like a place. So ये हम जो living, I think नीचे देख के आए हैं, ये उसके साथ बड़ा अच्छा visual connection है office से. Absolutely. Oh, cool. I think nurses are there's models बनाते हैं. I think this is a teamwork space. Yeah, so you can peep into the rest of the office also, into the house a little bit also. I'm sure jo log aap is point se basically aap sari spaces ke sath connected hai. Yep. Yeah. Office, working space, aapka living, family living. Yeah, outside. Outside. Absolutely. And again. Acha, yahan bhi badi dramatic height hai ceiling ki. Yeah. Not too low, but not high enough either. Just appropriate. अच्छा मरियम डोर का साइज स्केल को बहुत कंट्रोल रखा हुआ है ना तो कहीं बहुत ज्यादा है सही है बस जहाँ से आप फंक्शनली क्रॉस कर जाएं या एग्जैक्टली आई थिंक यहाँ से देखते हैं सेम डोर हैंडल एंड वी बैक इनटू द ऑफिस कॉन्फ्रेंस रूम मेज लाइक फीलिंग आती है ना एक दरवाजा खोलो घर में दरवाजा खोलो ऑफिस में दरवाजा खोलो हर जगह बड़ा ओपन प्लान है एब्सोल्युटली वॉल्स हैं पार्टीशंस हैं लेकिन बड़ा ओपन प्लान है कि आप अब यहाँ पे अगर कॉन्फ्रेंस रूम में हैं तो आपको यहाँ से ऑफिस भी नजर आ रहा है फिर आपको फैमिली लिविंग भी नजर आ रही है फिर आपकी वर्किंग स्पेस फिर आउटसाइड कनेक्शन बड़ा अच्छा है फिर टेरेसेस के साथ कनेक्शन बड़ा अच्छा है जो कि जनरली नहीं होता मतलब वीक होता है एंड इट इज आल्सो हार्ड कि आप अगर ग्रीन स्पेस या कोई टेरेसेस किस्म की दो एंड देन यू ओरिएंट ऑल योर प्लानिंग अलोंग दैट पर्टिकुलर एलिमेंट कि आप जिधर भी जाओ वहां से आप उस एलिमेंट वो एलिमेंट पे एम्फसाइज हो रहा हो ये बड़ी मुझे लगा बड़ी पर्सोनिफाइड प्लानिंग है इंटरेक्शन है और ऊपर आके तो टेरेस के साथ ये कनेक्शन है So, ऊपर देखते हैं yep, let's go. I think this is the same thing that we were talking about नीचे हाँ ये मुझे इन्होंने स्टेप्स की विड्थ को इंक्रीज करने के लिए डाली नीचे से जो टेपर हो और ये साथ इसको सपोर्ट भी दे रहे हैं ये आई थिंक अब हम उनके मम्टी में एंटर हो गए एट्रिक सो इस जगह पे आगे सीलिंग चेंज हो गई है yep. सिंपल फेस्ड अच्छा मैं क्वालिटी ऑफ लाइट या
हर रूम में डिफरेंट बहुत ज्यादा एंड ऑल्सो आप एक चीज नोटिस करें, अभी मौसम तो कुछ ऐसा है कि गर्मी आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही है, बट यू डू फील दैट इन दिस स्पेस यू डोंट फील वेरी हॉट. हाँ, छत पे है, छत पे है, टॉप फ्लोर है, छत पे है. और अच्छा, ये टाइल्स इसके साथ बड़ी मैच की है. सो ऊपर चलते हैं. लेट्स गो. अच्छा एक और चीज आप नोटिस करें, एक जगह से दूसरी जगह एंटर होते हैं ना, देयर इज अ स्टेप दैट मार्क्स, मतलब जो सरप्राइजिंग फैक्टर्स है. आप एंटर होते हैं, फिर एक छोटा सा स्टेप है और फिर आप कुछ स्टेप्स लेके एक और लेवल पे आते हैं, फिर एक और लेवल है और फिर अचानक से आप एक नई स्पेस में एंटर हो जाते हैं. एग्जैक्टली, बट एट द सेम टाइम यू आर लुकिंग एट एवरीथिंग. दिस मनी प्लांट. Nice. अच्छा छत पे आके वो फील नहीं आ रही कि आप रूफ टॉप पे हो, और बड़ी ये लॉन वाली फील है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे होती है. मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक दरख्त के नीचे से हम चढ़ना शुरू हुए हैं और फाइनली हम दरख्त के ऊपर पहुंचे, और इधर आके जैसे बिल्डिंग्स का लेवल चेंज हुआ वैसे दरख्तों का भी आई लेवल चेंज हुआ. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. अनदर थिंग दैट यू सी ओवर हियर इज कि ये जो सोलर पैनल्स हमें नीचे से भी नजर आ रहे थे, इट्स सच अ लवली सरप्राइज कि एक्चुअली दीस सोलर पैनल्स आर आल्सो बीइंग यूज्ड टू कवर दिस पूल. कवर द पूल. ओके, इंटरेस्टिंग. यू वांट टू जस्ट सिट डाउन एंड एंजॉय द स्पेस. यस, हम हर जगह बैठे हैं. नहीं, यस. अच्छा मरियम, यहां से आप व्यू देखें इस टेरेस का, बड़ा मजे का एक वो प्रोजेक्टेड टेरेस है जो कि लॉन के साथ ब्लेंड हो रहा है. बिल्कुल, अमेजिंग. और ये रेलिंग टू द पॉइंट, मेटल और इसके अंदर मैश. कुछ चीजों में ना, मतलब लाइक यू आर सेइंग, बहुत एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ बिल्कुल 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 मटेरियल्स की और कलर्स की, गुड यूज ऑफ मटेरियल एंड दैट्स ऑल. So, पूरे घर को आप किस तरह से सम अप करती हैं? उमर, I think it's been a lovely experience. I think it's been a very good learning experience. Okay. And I feel ke, I mean, like we said, because in this case, the architect himself was the client, his own client. And just like कहते ना कि house is machine for living. I think that it's also a reflection of your ideology, of who you are, what you believe in, what are your principles. And here you see that reflection, you know. And I think that it's a very strong language, बहुत powerful language है. घर की भी functions चल रहे हैं, office की भी चल रहे हैं. And मुझे लग रहा है, I think ये जो घर है ये architect की personality की बड़ी self depiction है, कि जिस तरह से वो बड़े close हैं nature के साथ, और आप देखते हैं घर में बड़ी क्वालिटी ऑफ लाइट और स्पेसेस और प्राइवेसी का फैक्टर जिस तरह से उन्होंने डील किया हुआ है, और ओपन स्पेसेस, ओपन प्लान, एब्सोल्युटली, सो बड़ा हम्बल, ग्राउंडेड. एंड आई थिंक फॉर एवरीवन जो अपना घर डिजाइन करना चाहते हैं या अपना घर बना रहे हैं या अपने घर को रिमॉडल करना चाहते हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर दोज पीपल एज वेल के दे डोंट हैव टू कम्पीट with what is trending or what's happening around them. Yes. They have to focus on their own perception of the perfect house to live in for them, you know. And I think that this is what he has done for himself in this house. Unhone dekha hai ki unko kya suit karta hai, how he prefers to live. In fact, aap dekhiye ki Maryam, matlab pure urban fabric mein ek crowd hai gharon ka, aur iske andar ek badi यूनिक सी चीज पड़ी हुई है. आई थिंक ये खुद है. पीछे की तरफ अगर हम देखें तो आई मीन देयर इज अ ह्यूज लैंडमार्क ऑफ इस्लामाबाद राइट बिहाइंड यू, एंड इट बिलोंग्स टू अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइन ऑफ आर्किटेक्चर, यू नो. एंड शाइनी और फ्लैशी आर्किटेक्चर. आई मीन इधर थोड़ी सी पेंट हाउस फील्स आती है आपको, है ना, हल्की फुल्की सी, कि जैसे आप कहीं बाहर बैठे हुए हैं जहाँ पे देयर इज अ टॉल बिल्डिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड on the rooftop of another building. I think it was a very enjoyable experience. Yes, yes. And I hope that it was the same for all of you. I hope that we have done justice
to the beautiful work of Nasir Saab. And once again, this was the 20th open house, virtual open house of Banjaiga. Don't forget to subscribe. Thank you. Thank you.